अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है जी आप सबके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला व्लॉग जो है वो वीकेंड का व्लॉग है और मैं जो है थोड़ा सा लेट हो गई थी अपलोड करने में। अच्छा जी, तो हम लोग निकल आए थे बाहर घूमने के लिए क्योंकि वीकेंड था और मौसम भी बहुत अच्छा था, और साथ में जो है वो साइकिल्स भी ले ली थी हमने। मैं अभी वॉक कर रही थी और साइकिल जो है वो हस्बैंड चला रहे थे। अच्छा, यहाँ पे ना लोग साइकिलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं और इस मौसम में तो मतलब हर जगह जो है ना वो साइकिल्स ही नज़र आती हैं, मतलब हर कोई जो है ना वो साइकिल्स ही चला रहा होता है। अच्छा जी, तो हम लोग आ गए थे इस वाली जगह पे। यहाँ पे मतलब साइड से पानी जा रहा है और दूसरी साइड से मतलब साइकिल रूट्स वगैरह बने हुए, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। और साथ में जो है वो छोटे छोटे स्पील प्लाट्स भी बने हुए, तो आप लोग रुक के थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं और बच्चे खेल भी सकते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे आ गए थे और साथ में जो है वो पानी जा रहा होता है तो मज़ा आता है यहाँ पे ना। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी साइकिल वगैरह चलाई, थोड़ी सी वॉक की। मतलब हमारे पास अभी एक साइकिल है, तो थोड़ी देर मैं चलाती हूँ और थोड़ी देर हस्बैंड चलाते हैं। तो अभी हस्बैंड की लेनी है लेकिन अभी उनको कुछ पसंद नहीं आ रही, तो देखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो है वो बच्चे ना पानी में मतलब जा रहे थे, तो अक्सा को भी जाना था। वो पहले भी आती है तो यहाँ पे जो है वो जाती है मतलब गर्मियों के मौसम में, तो अभी जो है वो मौसम अच्छा है तो उसको भी जो है वो अपने पाँव जो है ना पानी में डालने थे। और आप लोग पानी चेक करें कितना साफ है ना, मतलब बहुत प्यारी जगह है ये, हमारे घर के करीब ही है। तो बस हम लोग आ जाते हैं अक्सर यहाँ पर, साइकिलिंग वगैरह करते हैं, वॉक करते हैं, और बस यहाँ पर अक्सा भी थोड़ी देर खेल लेती है। अच्छा, फिर यहाँ से जो है वो हमने जाना था मार्केट, हमने जाना था टेडी में जाना था, हमने थोड़ा सा काम था और अक्सा को जो है वो अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट भी लेना था, तो हम लोग वापसी में फिर इधर आ गए थे। और यहाँ पे मुझे ये वाला बैग जो है ना बहुत क्यूट सा लगा था, इसमें जैसे ना ये यूनिकॉर्न सा बना हुआ था और बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि अक्सा ये वाला ले लो अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट के लिए, तो उसको भी ये अच्छा लगा था। और बस हम लोग कलर वगैरह चेक कर रहे थे कि इसमें से कौन सा उठाएं। और यहाँ पे इस दफ़ा मैंने देखा कि टेडी में जो है ना वो कपड़े भी पड़े हुए थे, मतलब मैं काफ़ी दिनों बाद आई थी तो पहले नहीं होते थे, लेकिन अब जो है वो कपड़े भी पड़े हुए थे, मतलब कुछ जो है वो रिगाल थे, मतलब उसमें जो है वो शर्ट्स वगैरह थी, कुछ ट्राउज़र्स थे, इस तरह की चीज़ें थी, बस बेसिक से मतलब जो चीज़ें थी ना वो थी, ज़्यादा नहीं थे। अच्छा, तो यहाँ पर हस्बैंड मुझे जो है ना पज़ल्स दिखा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि ये ले लेते हैं उसके लिए, अक्सा की फ्रेंड के लिए, लेकिन अक्सा ने कहा नहीं, उसको जो है वो वाला बैग अच्छा लगा था और वो हमने जो है वो कार्ट में डाल भी लिया था। अच्छा, उसके बाद मैं आ गई थी किचन सेक्शन में और बर्तनों के सेक्शन में, तो यहाँ पे बस मैं बर्तन वगैरह देख रही थी कि कौन से आए हुए। और यहाँ पे ना ये मिट्टी की जो है वो प्लेट्स वगैरह पड़ी हुई थी, प्लेट्स नहीं थे मतलब डीप थोड़ी सी बाउल टाइप की थी, तो अच्छे लग रहे थे। तो ये छोटा वाला जो है वो 2 यूरो का था और बड़ा वाला 4 यूरो का था। अच्छा, और यहाँ पे ना वो सर्विंग बाउल जो होते हैं ना वो भी काफ़ी सारे आए हुए थे, वो भी मैं बस देख रही थी। अच्छा, यहाँ पे ये मिट्टी के जो प्लेट्स वगैरह थी ना, तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि हांडी वगैरह हो तो मैं देख लूँ, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है वो भी व्लॉग्स बनाती है, तो उन्होंने जो है ना वो हांडी में सालन बनाया था, तो वो बता रही थी कि उन्होंने जो है ना वो टेडी से ली थी हांडी, तो मैंने सोचा मैं भी देख लेती हूँ क्योंकि मिट्टी की कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो मे बी शायद वो भी मुझे मिल जाए हांडी। तो वो यहाँ के मतलब जिस तरह के चूल्हे हैं प्लेट, तो उसी हिसाब से मतलब बनी हुई थी, तो अच्छी लग रही थी वो, लेकिन वो तो खैर यहाँ पे नहीं थी। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, कुछ पेन वगैरह देख रही थी, लेकिन मुझे पर्सनली जो है ना वो एक्शन में अच्छे लगते हैं, फ्राई पेन वगैरह और टीके मैक्स में अच्छे लगते हैं, तो मैं ज़्यादातर एक्शन से लेती हूँ या टीके मैक्स से, या फिर अगर आइकिया जाना होता है तो फिर वहाँ से ले लेते हैं। अभी जो है ना वो बारबेक्यू की जो है ना वो बहुत सी चीज़ें आई हुई होती हैं, क्योंकि अभी के सीज़न में जो है वो ज़्यादा लोग करते हैं, घर में भी करते हैं और बाहर जाके भी करते हैं, पार्क्स वगैरह में, और स्पेशली जहाँ पे पानी वाला एरिया हो तो वहाँ पे बारबेक्यू ज़्यादातर हो रहा होता है। अच्छा जी, अभी मैं आ गई थी यहाँ पर ये ट्यूटे वगैरह लेने के लिए, जो शेंक ट्यूटे होते हैं, गिफ्ट पैक्स वगैरह जो होते हैं ना, वो लेने के लिए आ गई थी। तो बस यहाँ से मैंने कुछ उठाए थे, 3-4 मैंने लिए थे, तो एक जो है वो अक्सा की फ्रेंड का गिफ्ट जाएगा उसमें, और बाकी मैंने कहा कि घर में मतलब पड़े रहें, किसी को कुछ देना होता है तो ले लेते हैं एक्स्ट्रा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना इनकी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी और रीज़नेबल प्राइस भी थी, मतलब वूलवर्थ से अगर कंपेयर करें तो वहाँ पे थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, और टेडी में जो है ना वो अच्छे मिल जाते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग टेडी से ही लेते हैं।
तो यहाँ से जो मैंने शॉपिंग की है वो फिर मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली थी। अच्छा, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें जो है वो उठा ली थी, लेकिन फिर कासे पे जो है वो बहुत ही लंबी लाइन थी और कासे भी एक ही था और हम लोग जो है वो लेट हो गए थे। मुझे जो है वो घर जाके खाना बनाना था, तो फिर हमने चीज़ें वापस रख दी और हम लोग घर आ गए थे। तो मैंने कहा कि हम लोग जो है ना वो बाद में चले जाएँगे या मैं चली जाऊँगी। तो बस मैं आज चली गई थी, अक्सा स्कूल जाती है तो उस टाइम पे मैं चली गई थी सुबह में, और बस जो जो चीज़ें मुझे लेनी थी वो मैं लेके आ गई थी। और सुबह में जो है वो इतना रश भी नहीं होता। तो यहाँ पे ये मैंने जो है वो गिफ्ट बैग्स ले लिए थे, और अक्सा की फ्रेंड के लिए जो बैग देखा था वो तो नहीं था वहाँ पर, तो बस फिर मैंने उसके लिए जो है वो डोल ले ली। तो मैंने ये वाली जो है ना बारबी डोल ले ली थी, और लड़कियों को तो वैसे ही जो है वो अच्छी लगती हैं बारबीज, तो बस मैंने एक ये ले ली थी उसके लिए। और अच्छा, दूसरा एक ये ले लिए थे, बॉक्स ले लिए थे फॉइल वाले, और इसमें जो है ना वो मतलब ऊपर से कवर भी था, और ये 10 का पैक था जो कि 5 यूरो में मिला था, तो मुझे ये सही लगा था तो मैंने सोचा मैं ये ले लेती हूँ। अच्छा, तो ये वाले यहाँ पे वूलवर्थ से भी मैंने देखे थे, लेकिन उसमें जो है ना वो कवर नहीं था ऊपर से, तो ये वाले जो है ना सही रहते हैं, इसमें कवर भी मतलब होता है ऊपर से, तो जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं तो फिर उनको थोड़ा सा खाना मैं पैक भी कर देती हूँ, तो इस तरह के जो है ना वो अच्छे रहते हैं बॉक्स वगैरह, तो बस इनमें मैं पैक करके दे देती हूँ। तो ये वाले मुझे अच्छे लगे थे और इसमें थे भी 10, तो मैंने कहा ये ले लेती हूँ। और यहाँ पे अक्सा की फ्रेंड के लिए ये जो स्टिकर्स हैं ये भी ले लिए थे एक पैकेट, तो ये थोड़े से फोमिक स्टाइल में थे तो अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये भी ले लेती हूँ। अच्छा, आज जो है ना वो अक्सा के स्कूल में एक स्पेंड लाउफ होती है, मतलब एक रन कह लें या वॉक कह लें वो होती है, उसमें जो है ना बच्चे स्कूल का मतलब पूरा राउंड लगाते हैं, तो वो जितने राउंड बच्चे लगाते हैं तो उस हिसाब से जो है ना इनको ये स्टैंपल करते हैं, और फिर उसी हिसाब से जो है ना पैसे देने होते हैं, मतलब एक राउंड का 1 यूरो होता है, तो वो तो बच्चे फिर जितने राउंड लगाते हैं फिर उस हिसाब से जो है ना यूरो बनते हैं, तो वो फिर देते हैं स्कूल वालों को, और ये लोग जो है ना फिर वो चैरिटी में देते हैं। तो ये चीज़ जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मतलब बच्चों को थोड़ा सा सिखाते हैं, बताते हैं कि मतलब कि जिनको मतलब ज़रूरत है पैसों की उनको जो है वो हेल्प करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, तो अच्छी लगी मुझे ये वाली चीज़। अच्छा जी, यहाँ पे आज जो है वो ग्रास कटिंग हो रही है, और यहाँ पे ग्रास काफ़ी बड़ी हो गई थी क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी, तो बस आज जो है ना वो ग्रास की कटिंग हो रही है, तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा दूँ। तो बस जी, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक का था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगी आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।